हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रेटर ज्ञान। दिस इज़ डापली वर्मा। आज हम क्लास 8 इंग्लिश की बुक के चैप्टर 2 की रीडिंग करने वाले हैं, जो कि है द सुनामी। सुनामी जिसमें टी साइलेंट है। स्पेलिंग अगर आप चैप्टर में देखेंगे, टी साइलेंट रहता है, TSUNAMI, सुनामी। तो सुनामी होती क्या है, इसके बारे में पहले चैप्टर में समझेंगे। ए सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। ये क्या होती है सुनामी? ये एक बहुत ही लार्ज एंड पावरफुल वेव होती है, यानी कि लहरें होती हैं कोज्ड बाय अर्थक्वेक, जो किसकी वजह से होती हैं? अर्थक्वेक की वजह से होती हैं। अंडर द सी, कहाँ पर? सी के अंदर, यानी कि समुद्र के अंदर जब अर्थक्वेक होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? ड्यू टू अर्थक्वेक लार्ज और पावरफुल वेव्स आती हैं, जो कि सुनामी कहलाती हैं। ऑन 26 दिसंबर 2004 अ सुनामी हिट। सुनामी ने क्या किया था? 26 दिसंबर 2004 की बात है, जब सुनामी आई थी थाईलैंड में, तो उसने क्या किया था? हिट कर दिया था थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, और थाईलैंड में और इंडिया के और भी पार्ट्स में उसने काफ़ी नुकसान कर दिया था, सच एज़ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जैसे कि अंडमान और निकोबार के जो आइलैंड थे, आइलैंड मीन्स जो द्वीप समूह होते हैं, वहाँ पे भी उसने काफ़ी नुकसान कर दिया था। एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और जो तमिलनाडु के कोस्ट थे वहाँ पर। हेयर आर सम स्टोरीज, तो नीचे क्या है, कुछ करेजियस स्टोरीज आपको दी गई हैं कि लोगों ने जब सुनामी आई तो सुनामी में लोगों ने किस तरह से कैसे करेज के साथ उन्होंने सर्वाइवल किया वहाँ पे एट द टाइम पीरियड ऑफ ड्यूरिंग सुनामी। तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में कुछ स्टोरीज़ को पढ़ेंगे, जिसमें कि कुछ छोटे बच्चों के बारे में भी उनके करेज से रिलेटेड स्टोरी है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग? क्या एनिमल्स जो होते हैं उनके पास कोई सेंस होता है जिससे उनको पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड, कुछ स्टोरीज ऐसा सजेस्ट करती हैं कि हाँ, जो एनिमल्स होते हैं ना, येस दे हैव सम सेंसेस, उनके पास कुछ ऐसे सेंसेस होते हैं जिसकी वजह से उनको सुनामी से पहले ही पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है, और वो उस प्लेस को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कहीं भी अगर कोई भी किसी भी टाइप का अर्थक्वेक या सुनामी आने वाली होती है तो जो एनिमल्स होते हैं वो वहाँ से पहले ही चले जाते हैं दूसरी जगह पर। तो ये एक पिक्चर भी दी हुई है आपको, जिसमें कि सुनामी आई हुई है। सुनामी होती है, सुनामी का मीन्स आपको पता चल गया, ए लार्ज एंड पावरफुल वेव जो आती है को कहाँ पर? अंडर द सी कोज्ड बाय अर्थक्वेक, दैट्स कॉल्ड सुनामी। तो फर्स्ट जो स्टोरी है उसके बारे में अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्के पिलागो। ये जो स्टोरीज हैं ये सभी कहाँ से हैं? अंडमान एंड निकोबार के आर्के पिलागो से। आर्के पिलागो का मीन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड, यानी कि बहुत सारे द्वीप समूह का एक ग्रुप होता है, जो क्या है? सराउंडेड सी, जिसके आसपास क्या है, मतलब सीज होते हैं, बहुत सारे समुद्र होते हैं। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचौल। इग्निशियस एक मैनेजर था कहाँ पर? कचौल में, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM, उसकी वाइफ ने उसको सुबह सुबह मॉर्निंग में क्या किया, 6 o'clock ही उसको जगा दिया, बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसको अर्थक्वेक फील हुआ था। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ हिज इट्स टेबल, यानी कि इग्निशियस ने क्या किया, जब उसकी वाइफ ने उसको बताया कि अर्थक्वेक जैसा उसको फील हुआ, अर्थक्वेक है, तो सबसे पहला काम उसने क्या किया, जो टूटने वाली चीज़ें होती हैं उसको सबसे पहले हम लोग हटा देते हैं, तो उन्होंने अपना जो टेलीविज़न था उसको केयरफुली उन्होंने सेट ऑफ कर दिया टेबल पे से, एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, उसे ग्राउंड में रख दिया, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, जिससे कि वो गिरे ना और टूटे ना। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और उसके बाद पूरी फैमिली घर से बाहर चली गई। When the tremors stopped, और जो उसके बाद क्या हुआ, जो tremors यानी कि जो आ रही थी waves, जो आ रही थी earthquake की, जो उनको feel हो रहा था कि earthquake हो रहा है, जो shaking था, a slight shake earth tremors means जो shaking होती है earthquake के time पे, वो जब उनको लगा कि वो stop हो चुकी है, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, they saw the sea rising, उन्होंने देखा कि जो समुद्र है वो sea rising, वो आ रहा है, यानी कि उफनता हुआ आ रहा है। इन द चाउस एंड कन्फ्यूज़न, अब वो जो चाउस फैमिली थी वो क्या हुआ,
वो सब कन्फ्यूज़न में आ गए, तो टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ़ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर, तो उनमें से जो दो बच्चे थे उन्होंने क्या किया, हाथ पकड़ा किसका, होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर, यानी कि अपने नाना जी का हाथ पकड़ा, एंड मदर्स ब्रदर, अपने मामा और नाना का हाथ पकड़ा उन्होंने, एंड रस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो भागने लगे, ही नेवर सॉ देम अगेन, उन्होंने फिर उसके बाद जब वो भागे तो वो उसके बाद फिर उन लोगों को कभी भी नहीं मिले, देखने के लिए नहीं मिले। His wife was also swept away. उसकी जो wife थी, ठीक है, किसकी, Ignatius की, उसकी जो wife थी और उसके जो बच्चे थे और मतलब उसकी wife के father और उसका brother, वो सब क्या हुआ, वो जो sea wave आई थी उसकी वजह से वो सब क्या हुआ, उसमें swept away हो गए, यानी कि वो wave सभी को अपने साथ ले गई। Only the three other children, केवल वो तीन ही बच्चे बचे, who came with him were saved, जो इग्निशियस के साथ आए थे वो सेफ बच गए। नाउ संजीव वॉज अ पुलिसमैन, अब ये नेक्स्ट स्टोरी है जिसमें हम एक पुलिसमैन के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है संजीव। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कचौल आइलैंड, ये भी कहाँ पे, कचौल आइलैंड में उनकी ड्यूटी चल रही है, वहाँ पे वो सर्विस करते हैं, ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, क्योंकि इसमें मोस्टली जो स्टोरीज हैं हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया वो अंडमान निकोबार के आइलैंड्स के ही रिलेटिव हैं, तो ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। तो जो संजीव है, जो पुलिसमैन है, उन्होंने क्या किया, जब वो वेव्स आई तो उन्होंने कैसे भी अपने आप को क्या कर लिया, समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को उन्होंने बचा लिया, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर, उनकी वाइफ और उनकी जो एक बच्ची थी, फ्रॉम द वेव्स, वेव्स की वजह से वो उन्हें नहीं बचा पाए। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प, लेकिन जब उन्होंने हेल्प के लिए कुछ चीखें सुनी, जो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, जो कि जॉन की वाइफ की तरफ से आ रही थी, द गेस्ट हाउस कुक, जो कि उनके गेस्ट हाउस का कुक था, जिस गेस्ट हाउस में वो रह रहे थे, संजीव जंप्ड इनटू द वाटर, तो जो संजीव है, जो पुलिसमैन है, वो वाटर में उन्होंने जंप किया टू रेस्क्यू हर, और उनको बचाने के लिए, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन जब वो जंप करके गए उनको बचाने के लिए वाटर में, तब तक वो जो वाइफ थी, उनका जो कुक था, उसकी वाइफ और उसकी जो बेबी डॉटर थी, वो दोनों भी स्वेप्ट अवे हो चुके थे। 13-year-old Meghna was swept away along with her parent. जो 13-year-old Meghna है, एक बच्ची है, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ, and 77 other people, और उसके साथ 77 और भी लोग थे, she spent 2 days floating in the sea. वो सी में 2 days floating करने के लिए आए हुए थे, नहीं, she spent 2 days floating in the sea, उन्होंने क्या किया, 2 दिन तक, मतलब अपने आप को सर्वाइव, वो इस तरीके से लड़ रहे थे कुछ को, खुद को बचाने के लिए, एट द टाइम पीरियड ऑफ सुनामी, वो 2 days तक फ्लोट करते रहे सी में, होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, एक लकड़ी का डोर उनको मिल गया था, जो कि आता है क्योंकि काफ़ी सारा डिजास्टर होता है जिस टाइम पे सुनामी आती है या अर्थक्वेक आता है, तो सुनामी के टाइम पे जब और भी घर वगैरह वहाँ से चीज़ें भी टूट फूट हो जाती है, तो उनको क्या हुआ, एक वुडन डोर यानी कि एक लकड़ी का डोर मिला, जिसके ऊपर वो लोग, उन्होंने उसे होल्ड कर लिया और वो 2 days तक सी में फ्लोटिंग करते रहे। इवन टाइम्स शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर 11 times, उसने 11 times रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई डिजास्टर टाइप कुछ हो जाता है, तो क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ हेलीकॉप्टर्स को भेजती है, जिससे कि वो क्या होते हैं, हेल्प करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए वो वहाँ पे घूमते रहते हैं, तो उसने 11 times हेलीकॉप्टर्स को देखा ओवर हेड, अपने हेड के ऊपर, बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन हेलीकॉप्टर में किसी ने उसको नहीं देख पाए, शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, और लास्ट में वो क्या हुआ, एक लहर के साथ में वो चली गई समुद्र के अंदर, एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और फिर वो उसी जो लहर आई थी उसके साथ ही उसके समुद्र के किनारे मिली। अलमास जावेद वॉज 10 years old, जो अलमास जावेद हैं वो 10 years old हैं, शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, वो कहाँ का स्टूडेंट है, कार्मेल कॉन्वेंट पोर्ट ब्लेयर में वो स्टूडेंट थी, वेयर हर फादर, जहाँ पे उसके पिता हैड अ पेट्रोल पंप, पिता एक के पास एक हैड पेट्रोल पंप था, हर मदर, उसकी जो मदर है रहेलाज होम वॉज इन
नैनकोरी आइलैंड, और उसकी जो माँ का घर था वो नैनकोरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, तो उसकी जो पूरी फैमिली थी वो कहाँ पर गई हुई थी, नैनकोरी आइलैंड में, जो उसकी मदर का घर था राहिलाज हाउस, वहाँ पे वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे। व्हेन द ट्रिमोर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह के टाइम पर जब ट्रिमोर्स आई यानी कि अर्थक्वेक की शेकिंग उनको जब फील हुई कि जो अर्थ है वो शेक हो रही है, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, तो फैमिली जो थी वो सो रही थी। अलमाज फादर सॉ द सी वाटर, अलमाज अलमाज जो थी उसके फादर ने क्या देखा, सी वाटर को देखा रिसीड होते हुए। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, अब उनको समझ में आ चुका था, वो समझ चुके थे कि अब जो वाटर आने वाला है वुड कम रशिंग बैक, वो फिर से आएगा एक बड़े उफान के साथ और एक ग्रेट फोर्स लिए हुए। ही वॉक एवरी वन अप, उन्होंने सबको जगाया जल्दी से एंड ट्राई टू रश दैम टू अ सेफर प्लेस, और उनको उन्होंने कोशिश की कि वो उनको किसी एक सेफ प्लेस पर ले जाएं, किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएं। एज दे रन, जैसे ही वो भागे, हर ग्रैंडफादर, उनके जो ग्रैंडफादर थे यानी कि जो दादाजी थे, वॉज हिट ऑन द हेड, उनके हेड पर घर में से जब निकल रहे थे तो उनके सर जो था वो चोट लग गई समथिंग एंड ही फेल डाउन, किसी चीज़ से उनके सर में चोट लगी और वो वहीं पर गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, तो उसके जो पिता थे वो उनकी हेल्प करने के लिए भागे। देन केम द फर्स्ट जेंट वेव, उसी टाइम पर जो फर्स्ट जेंट आई थी यानी कि सबसे पहली जो लहर आई थी वो आई, दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, जो किसको बहाकर ले गई अपने साथ, उसके फादर को, उसके ग्रैंडफादर को, दोनों को अपने साथ बहाकर ले गई। अलमाज मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, अब जो अलमा है, अलमा की जो मदर है और उसकी जो आंटी है वो एक क्लिंगिंग ट्री क्लिंगिंग थी लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, कोकोनट ट्री के एक उस पे लीव पे वो दोनों अपने साथ लिए हुए। कॉलिंग आउट टू हर, उसको भी बाहर की साइड बुला रही थी। ए वेव अपरूटेड द ट्री, एक इस तरीके से वेव आई, मतलब एक और लहर आई जो उस पेड़ को भी अपने साथ क्या हुआ, उसने उसे अपरूट कर दिया यानी कि जड़ से हिला दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो दोनों भी उसके साथ वहाँ पे, मतलब उस ट्री के साथ साथ उसकी माँ और उसकी जो आंटी थी वो दोनों भी वहाँ से चली गई, क्योंकि वो एक कोकोनट ट्री की उससे चिपकी हुई थी ना, खड़ी हो गई थी, स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, ठीक है, पत्तियों के साथ। अलमा सॉ लॉग ऑफ वुड, अलमा ने क्या देखा, एक लकड़ी के टुकड़े को देखा जो कि क्या कर रहा था, लॉग ऑफ वुड यानी कि लकड़ी का टुकड़ा जो कि फ्लोटिंग कर रहा था, तैर रहा था। शी क्लाइम्ब्ड ऑन टू इट, वो उसके ऊपर क्लाइम करी यानी कि उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर चढ़ गई, उसने उसे पकड़ लिया। देन शी फेंटेड व्हेन शी वॉक अप, उसके बाद मतलब उसने, देन शी फेंटेड मतलब वो बेहोश हो गई। व्हेन शी वॉक अप, और जब वो जागी, शी वॉज इन अ, तो वो कहाँ पर थी, हॉस्पिटल में थी, कमोर्टा के हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, जहाँ से वो पोर्ट ब्लेयर के लिए ले जाई गई। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसीडेंट, वो छोटी जो बच्ची थी वो किसी से इस इंसीडेंट के बारे में किसी के भी साथ बात नहीं करना चाहती थी। शी इज़ स्टिल ट्रोमेटाइज्ड, ठीक है, वो अभी भी क्या था, एक तरीके से वो ट्रॉमा में थी, ठीक है। शी इज़ स्टिल ट्रोमेटाइज्ड यानी कि वो अभी भी शॉक में थी, उसको एक झटका लगा हुआ था। इसके बाद सेकंड जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे टिली स्मिथ के बारे में। टिली स्मिथ जो है ये एक स्कूल गर्ल है, टिली स्मिथ अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, ये ब्रिटिश की स्कूल गर्ल है। वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स, देखिए ये इनका पिक दिया हुआ है, ये इनकी पिक्चर है, फोटो दिया हुआ है। तो अब सेकंड में हम टिली स्मिथ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि ब्रिटिश के इस स्कूल में, एक स्कूल में पढ़ती हैं। इन्होंने क्या किया था, एक सुनामी में बहुत सारी लाइव्स को बचाया था, यानी कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बचाया, जो कि क्या हो गए थे, सुनामी में स्टक हो गए थे, फंस गए थे कहाँ पे, फुकेट बीच में, थाईलैंड में। दो शी वॉज वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, जिसके लिए उसने बहुत सारी लाइव्स को बचाया, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बचाया, जिसके लिए उसे काफ़ी अवार्ड मिले। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर, लेकिन उसके पेरेंट्स ने अपनी डॉटर को अलाउ नहीं किया टू बी इंटरव्यूड
ऑन टेलीविज़न कि वो किसी भी टेलीविज़न पे जाके इंटरव्यू दे, मेड इनटू अ हीरोइन और हीरोइन बन जाए। व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीज़न? आप क्या सोचते हैं कि उसके पेरेंट्स ने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया कि उसने तो, वो तो एक तरीके से हीरोइन ही बन गई, उसने काफ़ी सारी लाइफ्स को बचाया और उसके लिए उसे अवार्ड भी मिला, तो लोग उसका इंटरव्यू भी लेने वाले थे लेकिन उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं करेगी। नाउ हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब एक और स्टोरी है जो कि थाईलैंड से है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड। साउथ ईस्ट इंग्लैंड की बात है, वहाँ से एक स्मिथ फैमिली थी, वो सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड, जो कि क्या कर रहे थे, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे कहाँ पर, साउथर्न थाईलैंड के बीच के एक रिजॉर्ट में। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ जो है काफ़ी छोटी बच्ची है, ये ओनली 10 ईयर ओल्ड है। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर्स ओल्ड और उसकी जो सिस्टर है वो 7 ईयर्स ओल्ड है, यानी कि उससे भी छोटी है। देयर पेरेंट्स वर पैनी एंड कॉलिन स्मिथ। उसके जो पेरेंट्स हैं वो पैनी और कॉलिन स्मिथ हैं। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। ये जो टाइम है ये 26 दिसंबर 2004 ईयर की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, मतलब काफ़ी भयंकर वाली सुनामी अपने रास्ते में थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक। वो किसकी वजह से आई थी, एक मैसिव अर्थक्वेक हुआ कहाँ पे, अंडर द सी, जिसकी वजह से वो सुनामी आई कहाँ पर, नॉर्थन सुमंत्रा, अर्लियर दैट मॉर्निंग, उस सुबह की बात है। द वाटर वॉज स्वेलिंग, तो वाटर क्या था, स्वेलिंग हो रहा था। स्वेलिंग मतलब ये नहीं कि वाटर स्वेलिंग, मतलब एक बहाव में आया, उफान में आया, या फिर आप बोल सकते हैं वाटर का जो वॉल्यूम था वो बड़ा, ठीक है। स्वेलिंग मतलब एक तरीके, आप लोग बोलते हैं ना स्वेलिंग होना मीन्स सूजन आ जाना, बट यहाँ पे वाटर स्वेलिंग का मीन्स हो गया कि जो पानी था वो उफन रहा था, ठीक है, वो और फूल रहा था, यानी कि वो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा था पानी का। एंड कैप्ट कमिंग इन। पैनी स्मिथ रिमेम्बर्ड, पैनी स्मिथ को कुछ याद आया। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर, जो बीच था वो काफ़ी छोटा हुआ, एंड स्मॉलर और छोटा होता चला गया। आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला था। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ को लगा, उसे ऐसे मतलब होते हैं ना, हमें भी कभी बोलते हैं कि सिक्स सेंथ काम किया है हमारा, तो उसको ऐसे सेंस्ड हुआ कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, कुछ तो गलत होने वाला है। हर माइंड कैप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन। उसका माइंड कहाँ गया, उसने एक ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था अपनी क्लास में, वहाँ पर उसका माइंड ने उसको क्या किया, हिट किया। ही हैड टेकन इन इंग्लैंड, जब वो पढ़ रही थी अपने स्कूल में इंग्लैंड में, तो उसने ज्योग्राफी का एक चैप्टर था जो कि उसके माइंड में आया जस्ट 2 weeks before, उसने जो 2 हफ्ते पहले ही पढ़ा था। शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, जब वो अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड आई, उससे जस्ट 2 weeks before उसने एक ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा था, जिसमें कि उसने पढ़ा था इसके बारे में कि सुनामी किस तरीके से आती है। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, टिली ने देखा कि जो सी है वो धीरे धीरे राइज होने लगा है, एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और वो फॉर्म बनने लगा है बबल में, एंड फॉर्म वर्लपूल्स। शी रिमेम्बर दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी, उसे याद आया कि उसने ऐसा ही अपनी क्लास में सुनामी की जब वीडियो देखा था, तो उसने सेम ऐसी ही वीडियो देखी थी क्लास में, दैट हैड हिट द हवाइन आइलैंड, जिसने हवाइन आइलैंड को हिट किया था 1946 में। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उसकी जो ज्योग्राफी टीचर थी उसने उसकी क्लास को वीडियो दिखाई थी, एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कोज्ड बाय अर्थक्वेक, और बताया था कि जो सुनामीज होती हैं वो अर्थक्वेक की वजह से आती हैं, वॉल्केनोज या फिर मतलब वो जो सुनामी होती हैं वो अर्थक्वेक, वॉल्केनोज और लैंडस्लाइड्स की वजह से आती हैं। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, टिली ने चिल्लाना शुरू किया एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, कि अपनी फैमिली से उसने चिल्लाना शुरू किया, वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि बीच को छोड़कर जाओ, यहाँ से बीच को छोड़कर चलो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, वो उनको उनसे बोलने लगी कि अर्थक्वेक आ रहा है अंडर द सी, यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताने लगी। सैड हर मदर पैनी, अपनी मम्मा पैनी को बताने लगी, आई डेंट नो वॉट अ सुनामी वॉज, मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है, बट सींग माई डॉटर सो फ्राइटेन, लेकिन जब मैंने अपनी बेटी को बहुत डरा हुआ देखा, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, तो मुझे लगा कि ज़रूर कुछ ही सीरियस होने वाला है।
टिली'ज पेरेंट टुक हर, टिली के पेरेंट ने उसको लिया एंड हर सिस्टर उसकी बेटी को अवे फ्रॉम द बीच, और बीच से दूर चले गए टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल में स्विमिंग पूल के पास चले गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट, और जो और भी टूरिस्ट थे ऑल्सो लेफ्ट द बीच, उन्होंने भी बीच को छोड़ दिया उनके साथ। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट, और फिर ये कुछ ही समय के बाद में उन्हें देखा कि जो सी था वो उनके पीछे पीछे आ रहा था। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं चिल्लाई भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, और फैमिली को कहाँ लेकर गए, फ्लोर होटल के थर्ड फ्लोर पे। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज ऑफ थ्री सुनामीज वेव्स, जो बिल्डिंग थी वो इस तरीके से ना, ये जो सी के बीचेस के पास में जो बिल्डिंग्स होती हैं इस तरीके से बनाई जाती हैं कि वो जो सुनामी आती है उसके वेव से वो काफ़ी, मतलब कई बार अगर कई वेव्स आएँ तो वो थ्री वेव्स को वो झेलने लायक होती हैं, इस तरीके से उनको बिल्डअप किया जाता है। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो इस बीच पर रुकते दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो नहीं बचते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट, बाद में इसमें तो दूसरे टूरिस्ट से मिला हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, जो अपनी पूरी फैमिली को लॉस्ट कर चुके थे, खो चुके थे, थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन की वजह से ही दे हैड बीन फोरवार्न्ड, वो क्या हुए अभी बचे हुए थे और उन्हें पहले ही इस चीज़ के बारे में पता चल गया। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, टिली अपने स्कूल गई इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स, और उन्हें अपने क्लासमेट्स को बताया हर टेरिफाइंग टेल, यानी कि इस डरावनी जिसकी वजह से वो डर गए थे, डरावनी कहानी के बारे में। किससे होते हैं ना, उसको टेल बोलते हैं। अब है थर्ड पार्ट, इससे पहले हम दो पार्ट में पढ़ चुके हैं सुनामी के बारे में, जिसमें हमने ब्रेवरी के बारे में पढ़ा कि लोगों ने किस तरीके से अपनी लाइफ को सेव किया, जिसमें टिली स्मिथ के बारे में हमने पढ़ा। अभी ये थर्ड पार्ट है, इसमें देखेंगे लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग। अभी हमने जो टू पार्ट्स पढ़े थे, हमने वहाँ पे कहीं भी इस इंसिडेंट के बारे में ये नहीं पढ़ा था कि किसी भी इंसिडेंट में ड्यूरिंग सुनामी या अर्थक्वेक ऐसा हुआ है कि वहाँ पे एनिमल्स डेथ केस कोई भी आया हो। तो ये इस पैराग्राफ में बताना चाह रहे हैं, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग, कि ये जो पिक्चर है इसमें वो जो बॉय है और जो उसका डॉग है उसको केयरफुली देखो, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी, और जो चीज़ें आपको लग रही है उसके बारे में डिस्क्राइब करने की कोशिश करो यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कुछ वर्ड्स और कुछ फ्रेजेस को यूज़ करके। आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड, कोई टीचर या कोई भी स्टूडेंट फ्रेजेस वगैरह वो अपने बोर्ड पे, यानी कि ये आपकी एक क्लास एक्टिविटी है कि आप क्लास में से कर सकते हैं, जैसे कि ये बच्चा है तो ये आप इसे किसी भी तरीके से ये डिस्क्राइब कर सकते हो कि ये सुनामी का टाइम है और ये जो बच्चा है ये अपने डॉग के साथ वहाँ पे बच गया है ड्यूरिंग द सुनामी, तो ये सब कुछ। नाउ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इन टू द कोस्ट इन इंडिया, यानी कि जाइंट वेव, अब ये बता रहा है कि जब सुनामी आया उससे पहले जो जाइंट वेव थी, यानी कि एक बड़ी वेव आई, उसने क्या किया, स्लैम्ड इनटू द कोस्ट, उसने आगे कोस्ट को हिट किया इंडिया और श्रीलंका के। वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स जो थे सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, ऐसा लगा, ऐसा पता चला कि उनको पहले से पता चल गया है जो वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स हैं बोथ को ही, कि वहाँ पे कुछ होने वाला है। दे फ्लैड टू सेफ्टी, वो अपने बचाव के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए भाग गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, जो आई विटनेस थे वहाँ पे उस टाइम पे, जो कि सुनामी के टाइम पे वहाँ पे दिखाई दिए, उनके अकॉर्डिंग एलिफेंट्स स्क्रीम्ड, जो एलिफेंट्स थे वो चिंघाड़ते हुए, है ना, एलिफेंट्स जैसे चिंघाड़ते उस तरीके से चिंघाड़ते हुए, एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड, वो वहाँ से भाग रहे थे किसी भी ऊंची जगह के लिए जहाँ पे कि वो सुनामी से बच जाएं और जो जाइंट वेव्स हैं उनसे वो अपने आप को सेव कर सकें। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, जो डॉग्स थे यानी कि जो डोमेस्टिक डॉग्स थे उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया, यानी कि जो डॉग्स होते हैं उनको आउटिंग के लिए ले जाते हैं तो उनको काफ़ी पसंद होता है ना बाहर घूमना, तो जब उनके जो जिनके पास डॉग्स हैं जब वो उनको ले जाया जा रहा था बाहर, तो उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। उसकी कुछ स्टोरीज़ हैं जो हम नीचे पढ़ेंगे उसके बारे में। फ्लेमिंगोज अबैंडन्ड देयर
लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया, जो फ्लेमिंगोज है उन्होंने क्या किया, उनका जो लो लाइंग एरिया था यानी कि जो वो कहीं पे नीचे छुपे रहते हैं वहाँ से वो बाहर निकल आए, एंड जू एनिमल्स और जो जू एनिमल्स हैं रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स, वो अपने अपने शेल्टर्स की तरफ रश हो गए यानी कि वहाँ पर भाग गए, एंड कुड नॉट बी एंटाइज टू कम बैक आउट, और वो वापस आने के लिए किसी भी तरीके से किसी भी लालच एंटाइज मतलब उनको किसी भी तरीके का लालच दिया जा रहा था अट्रैक्ट करने के लिए, वो तो भी अपने शेल्टर से बाहर आने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पॉसेस अ सिक्स सेंस, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ पे विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके पास कोई सिक्स सेंस होता है, एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, जिसकी वजह से उनको पता चल जाता है कि जो अर्थ है अब वो शेक होने वाली है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट, कुछ एक्सपर्ट्स तो इस बात पे बिलीव करते हैं दैट एनिमल्स मोर अक्यूट हियरिंग हेल्प्स, के जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो हियरिंग पावर जो होती है, उनकी जो सुनने की शक्ति होती है वो उनको हेल्प करती है दैम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, जिसकी वजह से क्या होता है उनको जो हेयरिंग पावर होती है उनके पास उसकी वजह से उनको ये जो अर्थ की जो वाइब्रेशन होती है यानी कि जब अर्थ शेक करती है तो उनको उसके बारे में पता चल जाता है, वो फील कर पाते हैं। दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डिज़ास्टर, वो एक बड़ा डिज़ास्टर जो यानी कि एक जो बड़े लेवल पे जो तबाही होने वाली होती है लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस, उनको ह्यूमंस से पहले उसका रियलाइज़ हो जाता है व्हाट्स गोइंग ऑन, यानी कि ह्यूमंस उसके बारे में सोच भी नहीं पाते कि अभी क्या होने वाला है, उससे काफ़ी टाइम पहले ही एनिमल्स को इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि समथिंग इज़ अबाउट टू, यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। वी कैन नॉट बी श्योर whether animals have a sixth sense or not, हम इस चीज़ के लिए श्योर नहीं हैं कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होता है उनको या फिर नहीं, बट द फैक्ट इज़ दैट, लेकिन इसके पीछे जो फैक्ट है वो ये है कि जब जेंट वेव्स आती हैं दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 150,000 पीपल इन अ डोजन कंट्री, कि जब जेंट वेव आई इंडियन ओशन में तो उसने कितने सारे लोगों को मार दिया, किल्ड मोर देन यानी कि 150,000 पीपल से ज़्यादा या 150,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई उसमें, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, इन अ डोजन कंट्री यानी कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन कोई भी एनिमल्स, ज़्यादा एनिमल्स ऐसे नहीं रिपोर्ट किए गए जो कि डेड मिले। अलॉन्ग इंडियाज कोडालोर कोस्ट, इंडिया का एक कोडालोर कोस्ट है वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिशेड, वहाँ पे मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल हज़ार लोग वहाँ पे ऐसे मिले कि वो लोग जब वहाँ पे आया सुनामी आया वो लोग उनकी डेथ हो गई। बफेलोज गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, लेकिन वहाँ पे जो बफेलोज थी डॉग्स थे और गॉड्स थी वो सब कैसे मिले, उनको कोई भी हार्म नहीं हुआ यानी कि अनहार्म उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स, श्रीलंका में एक याला नेशनल पार्क है वो क्या है, होम है यानी कि घर है वैरायटी ऑफ एनिमल्स, काफ़ी सारे एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं, उनका घर है याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, जिसमें काफ़ी सारे एलिफेंट्स रहते हैं, लेपर्स रहते हैं, एंड 130 स्पेसीज ऑफ बर्ड यानी कि बर्ड्स की 130 स्पेसीज रहती हैं वहाँ पे, नॉट अ सिंगल वेराइटी ऑफ बर्ड्स, इवन वहाँ पे कितनी वेराइटीज रहती हैं बर्ड्स की, 130 स्पेसीज। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे, अब ये जो नेशनल पार्क था याला नेशनल पार्क, इसमें से 60 पीपल्स थे जो कि उस सुनामी के साथ वॉश्ड अवे हो गए, बट द पतंगला बीच इनसाइड द पार्क, जो पार्क के का जो पतंगला बीच था वहाँ से 60 विजिटर्स जो थे जो विजिट करने के लिए आए हुए थे वहाँ पे, दे वर वॉश्ड अवे विद द जेंट वेव, बट लेकिन नो एनिमल कार्कसेस वर फाउंड, लेकिन एक भी एनिमल ऐसा नहीं मिला जिसकी डेथ हुई हो या जिसको थोड़ा भी हार्म हुआ हो, एक्सेप्ट फॉर टू वाटर बफेलोज,
केवल दो वाटर बफेलोज थी जिनको वहाँ पे ये रिपोर्ट किया गया कि उनकी डेथ हुई, बाकी इतने सारे वहाँ पे स्पीसीज थे, एनिमल्स थे, उनमें से किसी को कुछ भी हार्म नहीं हुआ। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, जब सुनामी ने वहाँ पे हिट किया उससे एक घंटे पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड थ्री एलिफेंट्स। वहाँ जो याला नेशनल पार्क था वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एलिफेंट्स थे याला नेशनल पार्क के, रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच, वो पतंगला बीच से भाग रहे थे। और श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंकन जेंटलमैन यानी कि श्रीलंका का एक जेंटलमैन है जो कि वहाँ रहता है, हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैले, गैले एक जगह है यानी कि सिटी है ये श्रीलंका में, उसने कहा जो कि गैले गैले में रहता है जेंटलमैन, उसने बोला हिज टू डॉग्स यानी कि उसके पास टू डॉग्स थे वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। उन्होंने भी उस दिन यानी कि उसके पास टू डोमेस्टिक डॉग्स थे, उन्होंने भी उसके जो पैट डॉग्स थे उन्होंने भी उस दिन बीच पे जाने से रिफ्यूज़ कर दिया। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, वो ज़्यादातर वो उसने बताया कि वो हमेशा ही वो क्या करते थे जब उनको आउटिंग के लिए ले जाया जाता था तो वो बहुत एक्साइटेड रहते थे अपनी आउटिंग के लिए। ही सैड, उसने बताई ये चीज़, बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन दे रिफ्यूज टू गो, उन्होंने जाने से मना कर दिया, एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और वो जो डॉग्स थे उन्होंने क्या किया उसके खुद की भी लाइफ को सेव कर लिया, यानी कि ना तो वो डॉग्स बचे बल्कि उनका जो ये ओनर था, ये जो श्रीलंकन जेंटलमैन की यहाँ बात हो रही है उसको भी उसने बताया कि उसके जो डॉग्स हैं उन्होंने क्या किया उसकी भी, यानी कि उनका जो मालिक था उसकी भी उन्होंने लाइफ को क्या किया सेव कर लिया, क्योंकि अगर वो बीच पे जाता उस दिन उनको वॉक के लिए लेकर जाता वहाँ पे आउटिंग के लिए तो मे बी हो सकता है डॉग्स जो हैं उनको पता चल जाता तो वो अपनी लाइफ एक बार के लिए सेव कर लेते, वहाँ से रन अवे हो जाते, बट जो जेंटलमैन था वो तो वेव के साथ ही रश्ड अवे हो जाता और वो उसकी डेथ हो जाती। सो हम कह सकते हैं 100% नहीं बट हम बोल सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनको सिक्स सेंस होता है, उन्हें पता चल जाता है कि उनके साथ अभी मतलब अर्थक्वेक और ये सब इसके बारे में उन्हें पता चल जाता है, सुनामी वगैरह के कुछ होने वाला है। ओके सो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, इस चैप्टर से आपको सुनामी अर्थक्वेक्स इनके बारे में पता चला और ये भी पता चला कि इसके बारे में आप कैसे फील कर सकते हैं, आप इसमें इससे ये जो डेंजर और ये जो सिचुएशंस होती है आप इससे कैसे खुद को सेव कर सकते हैं, और वहाँ पे जो और भी जो पीपल्स होते हैं आपके आसपास आप उन पीपल्स की भी लाइफ को सेव कर सकते हैं, अपनी फैमिली अपने रिलेटिव्स की लाइफ को सेव कर सकते हैं, और आपको क्या करना होता है अगर सुनामी जैसी कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ऐसा कोई डिज़ास्टर होने वाला है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको किसी हायर प्लेस पे जाके जाना होता है, हायर प्लेस की सर्च में किसी ऊंचाई वाली जगह पे, और अगर ऐसा होता है जैसे कि अर्थक्वेक यानी कि शेकिंग वाली आपको फील होती है तो आप अगर किसी भी बिल्डिंग में हैं, किसी बिल्डिंग के अंदर हैं तो आपको तुरंत ही उस जगह को छोड़ के किसी ओपन एरिया में जाना होता है अपनी लाइफ को सेव करने के लिए। सो आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ आया होगा, चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग था, इससे नॉलेज प्लस हुई आपकी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैप्टर को अपने क्लासमेट्स के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।